जी गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे गाइस कुछ पॉइंट ऐसे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे लगेंगे और एक एज ए स्टोरी भी आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। और रिलेटेड है पॉइंट्स हमारे मुग़ल सल्तनत के बारे में कि मुग़ल कैसे भारत में आते हैं, किस तरह से अपना राज स्थापित करते हैं। इस पर एक हम लोग एक अच्छी तरह से कमेंट्री करेंगे। जो बच्चे हैं सुनना चाहते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, हमारे कुछ ऐसे कलीग्स हैं, तो वो भी अपना सुन सकते हैं अगर अच्छा लगे तो गाइस। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से मुग़ल एम्पायर क्रिएट होता है भारत के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर। कहानी शुरू होती है बाबर से। वैसे मैंने बाबर का, हुमायूं का, अकबर का और जहांगीर का वीडियो पूरी स्टोरी के साथ अपलोड कर दिए हैं। यहाँ तो मैं बस छोटी मोटी एक स्टोरी सुनाऊंगा ताकि एक सीक्वेंस बना रहेगा एंड अयोग्य मुग़ल एम्पायर तक, जो लास्ट होता है बहादुर शाह ज़फ़र सेकेंड, वहाँ तक हम थोड़ी थोड़ी बातें करते चले जाएंगे ताकि एक ये वीडियो पूरी तरह से एक एज ए स्पीक की तरह चलता रहेगा और आप सब कैंडिडेट जो हैं सुनते रहेंगे अपने हिसाब से। तो बात शुरू होती है 1526 से, जब भारत पर मुग़लों का अटैक होता है और उसमें मुग़ल होता है बाबर। बाबर की कहानी 1526 से तो एक तरह से एक्चुअल पावर इस्टेब्लिश होती है इंडिया में, लेकिन देखा जाए उससे पहले 1519 से लेकर 1523 तक वो भारत पर चढ़ाई करता है लेकिन वो असफल हो जाता है। वो पूरी तरह से भारत पर कब्जा नहीं कर पाता है, कई बार उसे मतलब हताहत होना पड़ता है और हमारे राजपूत राजाओं से भी उसे मतलब असफल होना पड़ता है। इसमें बयाना का एक बैटल आता है, काफ़ी फेमस होता है, और उस बैटल में बाबर हार जाता है और राणा सांगा उसे हरा देते हैं उस बैटल में। तो बैटल तो वहाँ से शुरू हो जाता है लेकिन प्रॉपर तरीके से वो अपनी एम्पायर मतलब इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है भारत देश में। और जब 1519 से 23 के बीच में वो असफल हो जाता है तो वापस अपने अफगान चला जाता है। देन फिर यहाँ लोधी के बीच में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। लोधी डायनेस्टी होता है भारत में जब उस समय आक्रमण करता है बाबर, तो लोधी डायनेस्टी का जो अंतिम राजा होता है इब्राहिम लोधी सुल्तान होता है, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है क्योंकि सिविल वार छिड़ जाता है उसके चाचाओं के बीच में। उसके बीच में चाचा हैं जो आलम खान, दौलत खान हैं, वही बाबर को इनवाइट करते हैं और इनवाइट करते हुए बाबर को बस यही एक चाहत थी कि मुझे कोई इज्जत के साथ बुलाए और मैं भारत पर अपना राज स्थापित करूं। तो इज्जत के साथ आलम खान, दौलत खान ने उनको इनवाइट किया, साथ में राणा सांगा ने भी कहा कि हम आपको आर्मी देंगे, आप आइए। तो बाबर आधमकता है, तोपखाने साथ, गोला बारूद, ग्रेनेड पद्धति, उस्मान विधि, सारी सिस्टम से लैस होकर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा देता है। देन फिर इब्राहिम लोधी के चाचाओं को भी रिमूव कर देता है और लड़ाई होती है खानवा की युद्ध। पहले प्रथम पानीपत का हो जाता है 26 में, फिर खानवा का होता है 27 में, देन फिर आपका चंदेरी का होता है 28 में, फिर घाघरा का होता है 29 में। लगातार लड़ाइयाँ जीतता हुआ भारत पर काबिज हो जाता है बाबर। बाबर के चार पुत्र हैं, चार पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंडाल, जिसमें हुमायूं जो है आगे राजा बनता है, आगे मुग़ल बादशाह बनता है, और हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1556 तक राज करता है। 1530 से लेकर 40 के बीच में दो टायर होते हैं, फिर 55-56 में आता है। बीच में जो 45 का जो टाइम है, 40 से 55 का जो टाइम है, वो शेरशाह सूरी का होता है। और शेरशाह सूरी इसमें विजयी तो हो जाता है लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं देती। कहते हैं मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत त्याग दी। होता है किस्मत, क्योंकि किस्मत सबका साथ नहीं दे पाती है और हम इतिहास से ही सबक ले रहे हैं। आज जो ज़िंदगी चल रही है, कुछ लोग इतिहास पढ़कर भी सबक लेते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, दोनों तरह के लोग इस धरती पर हैं। तो शेरशाह सूरी ने यही कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत खो दी, और 1545 में एक विस्फोट के कारण उसकी डेथ हो जाती है। सूर डायनेस्टी इनक्रेडिबल डायनेस्टी थी, 1540 से 45 में एक्टिव डायनेस्टी सूर डायनेस्टी रहती है,
जो एक मुगल सल्तनत को टक्कर देने का काम करती है। इसलिए हुमायूं 40 में ही, जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था वो 40 में ही भाग गया था ईरान अमरकोट होते हुए, और 42 में अमरकोट में ही जन्म होता है अकबर का। गाइस कन्फ्लिक्ट रहता है, सबके बीच में रहता है, लेकिन किस तरह से इन लोगों ने भारत पर राज किया था, काफ़ी ऐसी उपलब्धियाँ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और लोग उन्हें पढ़ते हैं अपने हिसाब से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी समझने के लिए भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ, हिंदुस्तान की इज्जत कैसे लूटी और क्या क्या मतलब हिंदुस्तान के ऊपर जुर्म हुए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमें पता, क्योंकि एक अवेयरनेस होती है, ज़रूरी नहीं हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। शेरशाह सूरी टक्कर देने वाला था सिर्फ मुगल को, लेकिन शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती 1545 में, देन उसके बेटे होते हैं सिकंदर शाह सूरी और इब्राहिम सूरी। सिकंदर शाह सूरी का युद्ध होता है हुमायूं के साथ, सरे हिंद का होता है और मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, दोनों में हुमायूं की विजय होती है और हुमायूं 55 से 56 तक राज करने में समर्थ रहता है हिंदुस्तान पर। 56 में ही हुमायूं की डेथ हो जाती है सीढ़ियों से लुढ़कते हुए। एक इतिहासकार हैं लैन पूल, उन्होंने भी कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो जाती है और फाइनली वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है 1556 में। हुमायूं की जो बहन है गुलबदन बेगम, उसने हुमायूंनामा बनवाया, वो हुमायूंनामा किताब लिखवाई, और हुमायूं की जो बेगम है हाजी बेगम, उसने जो है हुमायूं का मकबरा बनवाया दिल्ली के अंदर। तो ये पॉइंट्स होते हैं, बाकी अगर ज़्यादा डेप्थ में देखना है तो मैंने वीडियो पूरा कंप्लीट बना रखा है, आराम से बोर्ड पे आप देख सकते हैं। ये तो बस थोड़ी सा सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अगर बता भी दिया जाए तो हमें सीक्वेंस याद रहेगा कौन कब कैसे कैसे आया। तो हुमायूं की जो पूरी कहानी थी, वो हुमायूं का अर्थ ही भाग्यशाली होता है, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है और ज़िंदगी भर वो संघर्षशील रहता है, और संघर्ष करते करते 1556 में ही उसकी डेथ हो जाती है। पुराना किला जहाँ पहले लाइब्रेरी बनाई थी वहीं से लुढ़कते हुए वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। पुराना किला जो बनवाया आज भी मौजूद है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था अच्छी थी और वहाँ की प्रशासनिक सिस्टम भी बहुत बढ़िया था, मतलब शेरशाह सूरी ने जो काम किए वो आगे जाकर अकबर ने उनको कॉपी किया था, ठीक है, याद रखना है। अकबर का शासन 1556 में शुरू होता है मात्र 13.5 साल की उम्र में, जब दादाजी 11.5 साल की उम्र में राजा बन जाते हैं बाबर, तो अकबर भी 13.5 साल की उम्र में दिल्ली का नहीं पूरे भारत का मुगल बादशाह बन जाता है। उसको इतना ज्ञान नहीं होता है, उसके हाथ में तलवार पकड़ाता है बैरम खां, और बैरम खां ही उसका टीचर होता है। बैरम खां के नेतृत्व में पानीपत का सेकेंड युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राजा हमारे हिंदू राजा थे लास्ट हेमू, तो हेमचंद को धोखे से वो पानीपत के सेकंड युद्ध में मार देते हैं, और देन राजपूतों के सरों की दीवार लगा दी जाती है। सोचें कितना नरसंहार हुआ था बैरम खां के नेतृत्व में, इस युद्ध को जीत लिया गया था। और वैसे देखा जाए पर्दे के पीछे अकबर था, लेकिन अकबर तो बच्चा था, क्या जानता था असली शक्ति और असली दिमाग किसका चल रहा था, बैरम खां का। तो बैरम खां ने पूरी तरह से मुगल एम्पायर को अपने हाथ में ले रखा था, इसी वजह से बैरम खां को मुगल जो महिला थी उन्होंने षड्यंत्र करके अकबर के हाथों ही निकलवा दिया, और 1560 में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। बाहर कोई अफगानी लोग इसे मार दिया जाता है, मार देते हैं बैरम खां को, क्योंकि बैरम खां के दुश्मन बहुत होते हैं, इसलिए बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र होता है। बैरम खां 1560 में मार दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। देन फिर 1560 से 1562 तक अकबर के शासन को पेटीकोट का शासन कहा जाता है, प्रोस्टिट्यूट, जिसका मतलब प्रोस्टिट्यूट, वैश्याखाना। वो हमेशा वहीं 2 से 4 साल तक वो एक्टिव रहता है, लेकिन वो देखा जाए 56 से लेकर 62 तक ही एक्टिव रहा, 6 साल तक, और चीफ जो बनी उसमें महामनगा 60 से 62 तक रहती है चीफ उसकी, और वो चाहती है कि उसका बेटा आदम खां एक अच्छे पद पर आए, लेकिन आदम खां ने उसके ही सेनापति की डेथ कर देते हैं, कौन, अकबर के सेनापति की कासिम खां की डेथ हो जाती है, मतलब डेथ मृत्यु मतलब एक तरह से हत्या कर दी जाती है आदम खां के द्वारा। देन आदम खां फिर भी नहीं मानता है, आगे जाकर अकबर को पता चलता है, तो आदम खां को फिर वो
एक ऊपर दुर्ग से लेकर नीचे गिरता है, नहीं मरता, फिर दोबारा मार देता है, खत्म हो जाता है आदम खां, और आदम खां के वियोग में ही महामनगा भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से 2 साल का अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम रहती है महामनगा, लेकिन महामनगा ने ही अकबर के दिमाग पर ये प्रोस्टिट्यूट का खेल खेला और अकबर उसमें घुल मिल जाता था। अब सोचिए आप, 16 साल से लेकर 22 साल तक, मतलब 6-7 साल तक अकबर जो है लड़कियों के बीच में बैठकर कविताएं और किताबें पढ़ा करता था। सोचिए, वैश्य खाने में वो हमेशा रहता था, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था अकबर के दिमाग में। जैसे ही महामनगा ख़त्म होती है तो उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म होता चला जाता है, देन फिर वो उपलब्धियों की तरफ चला आता है। कई सारे उपलब्धि भारत में होती हैं, कई सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, तीर्थ यात्रा, दास प्रथा, जजिया टैक्स, शिशु वध, मजहर की घोषणा, इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, तुर्की सुल्ताना, बुलंद दरवाजा, ये आपका इलाही संबत और दीन इलाही, बहुत सारी चीज़ें करवाता है अकबर। धर्म संसद भी बनाता है, कई धर्म गुरुओं से शिक्षा दीक्षा भी लेता है, जैन हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम मौलाएं हैं, इन सबको अपने पास रखता था और हर गुरु से एक एक जानकारी प्राप्त करने में निपुण होता। कहते हैं अकबर अनपढ़ बादशाह था, बिल्कुल बात सही है, लेकिन पूरे मुग़ल सम्राट में, मुग़ल एम्पायर में देखा जाए तो अकबर जैसा महान और अकबर जैसा ग्रेट रूलर नहीं हुआ अकॉर्डिंग मुग़ल एम्पायर, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि कई ऐसे चीज़ें अकबर के द्वारा की गई राजस्थान में, जहाँ राजस्थान में महिलाओं ने पूरी तरह से शाका कर लिया था, मतलब पूरी तरह से जोहर कर लिया था, और कहते हैं 7 से 10 हज़ार महिलाएं अकबर के डर से, अकबर जैसे अलाउद्दीन खिलजी आया था, लगभग 17-18 हज़ार महिलाओं ने जोहर कर लिया था, ऐसे ही अकबर के डर से वहाँ की महिलाओं ने जोहर कर लिया था, और अकबर एक्टिव रूलर होता था राजपूतों के खिलाफ, और राजपूत के खिलाफ, राजपूत जो खिलाफ जाता था अकबर के, वो उसको मार दिया करता था, और जो नहीं जाता था वो उसकी गुलामी करता था। तो अलग ही कहानी है अकबर की। अकबर, फिर चांद बीबी, फिर रानी, और रानी आपकी जोधा, इस तरह से इन्होंने अलग अलग तौर तरीके से राजपूत महिलाओं को भी अपने मुग़ल दरबार में पनाह दी। कई राजपूत राजा ने सर झुका दिए थे, इस तौर से वो अकबर जो है महान हुआ राजपूतों की नज़रों में, और राजपूत भी अकबर के अंडर में काम करना शुरू कर दिया था। अकबर के गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, और उनके आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म होता है, जो अपने बच्चे के नाम सलीम ही रखता है, बचपन का नाम सलीम रखता है अकबर जो है, और सलीम बड़े होकर फिर जहांगीर बनता है, और जहांगीर जो है आगे जाकर अकबर की बादशाहत हासिल करता है। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का समय होता है शुरू, और जहांगीर जो है अपने काल में ज़्यादा एक्टिव रूलर रहता है, लेकिन सारी की सारी पावर जो है नूरजहाँ के पास चली जाती है। 1611 में नूरजहाँ एक विधवा होती है, उसकी एक बेटी होती है लाडली बेगम, तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है नूरजहाँ के आने से, मुग़ल एम्पायर में तहस नहस हो जाता है, और बहुत बड़ी मतलब मिस हैपनिंग हो जाती है, और कह सकते हैं कि नूरजहाँ के पास पूरी ताकत मुग़ल एम्पायर की आ जाती है, और नूरजहाँ जो है असमत बेगम और साथ में ग्यास बेग, आसफ खां, बड़े बड़े लोगों को, मतलब अपने ही ब्लड रिलेशन को मुग़ल एम्पायर में जगह दे देती है, याद रखना इम्पोर्टेंट रहता है। और नूरजहाँ की सेवा में सलीमा बेगम भी होती है, ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट रहता है, साथ में कई सारी महिलाएं, राजपूत महिलाएं भी नूरजहाँ के काल में उसकी सेवादार होती हैं, और काम किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। आगे जहांगीर जो है अनारकली के चक्कर में पड़ जाता है, फिर उसकी कहानी वहाँ दफन हो जाती है अनारकली की भी, क्योंकि अकबर उसको पूरी तरह से दीवार में ही चिनवा दिया जाता है, और उसके बाद कहानी बनाकर जहांगीर को पेश किया जाता है। जहांगीर फिर क्या करता है, एक ऐसा मुग़ल बादशाह जो एक तरह से मदिरा का इस्तेमाल करता था, वो जहांगीर था, काफ़ी अल्कोहल मदिरा में डूबा रहता था, और जहांगीर के समय पर ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, चित्रकला में काफ़ी डेवलप होता है जहांगीर। अब जहांगीर के समय पर मंसूर हैं, विशन दास है, और आपके ये आपके कलाकार थे, मतलब चित्रकार थे जहांगीर के समय पर, है ना, तो मोहम्मद उस्ताद भी थे, है ना, विशन दास, मंसूर, सदर सदर, तो ये सब चित्रकार थे जो जहांगीर के आदेश पर चित्र बनाया करते थे, और जहांगीर को भी चित्र बनाने का भी शौक था, इसलिए
मुगल काल के जो चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, वो कहते हैं जहांगीर के काल को। जहांगीर के काल में कहते हैं कोई ज़्यादा फेमस मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया, किसी प्रकार का स्थापत्य कला का विकास नहीं हुआ, सिर्फ चित्रकला का विकास ही देखा गया मुगल एम्पायर में। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था खुसरो ने, मतलब नूरजहां के खिलाफ, और खुसरो को भी विद्रोह को दबा दिया, अपने बेटे को ही मरवा दिया। बड़ा बेटा था, मानबाई से पैदा हुआ था खुसरो। जहांगीर के दारू पीने से मानबाई ने हत्या कर अपने आत्महत्या कर लेती है, और फिर खुसरो जो है पकड़ा जाता है, उसको भी मार दिया जाता है। तो सोचिए एक नूरजहां का कितना बड़ा रोल एक मुगल एम्पायर में होता है, और मुगल एम्पायर को पूरी तरह से कंट्रोल करती चली जाती है नूरजहां। अपनी माँ को भी, अपने बाप को भी, अपने भाई को भी अच्छे पदों पर स्थापित करती है मुगल एम्पायर में। एतमुद्दौला का मकबरा नूरजहां बनवाती है, याद रखना है। पहला संगमरमर से निर्मित अकबर मकबरा होता है, अपने बाप के नाम पर बनवाती है, ग्यास बेग के नाम पर आगरा में बनवाती है। साथ में जहांगीर का मकबरा बनवाती है, लाहौर में बनवाती है, और साथ में देखा जाए इत्र का आविष्कार भी असमत बेगम करती है, उसकी माँ नूरजहां की माँ असमत बेगम, याद रखना। ये सब पॉइंट्स हैं आपके, बाकी सारे वीडियो मैंने बता दिया है, ये सिर्फ एक छोटे छोटे 8-10 पॉइंट हैं हर मुगल बादशाहों के बारे में, तो सीक्वेंस से पता चल जाएगा, जो देखना चाहे वो देख सकता है, ठीक है। एक तरह से 1.5 की स्पीड्स में आप देख सकते हैं, इस तरह क्या है आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा कि कौन सा राजा कब आया, किस ईयर में आया, कैसे कैसे हुआ, बस डेट्स ऑल। तो जहांगीर पूरी तरह से काबिज नहीं हो पाया, और सारी सत्ता नूरजहां के हाथ में आई, खुसरो को मरवा दिया गया। खुर्रम को वो चाहती नहीं थी, शहरयार को चाहती थी, शहरयार की शादी लाडली बेगम से कर दी थी, वो चाहती थी शहरयार अगला बादशाह बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अगला जो बादशाह मुगल बादशाह बनता है वो खुर्रम बनता है, ठीक है। खुसरो के चक्कर में गुरु तेग बहादुर की भी हत्या हो जाती है, और जहांगीर उसको गर्म तवे पर बैठा कर मरवा देते हैं। तो बहुत बड़ा सिखों के लिए भी एक ट्रेजिडी वाला इतिहास रहता है जहांगीर का काल। देन फिर खुर्रम जो है सीट पर बैठता है शाहजहां के नाम पर। 1627 से लेकर 1658 के बीच में शाहजहां का काल होता है, और शाहजहां जो है अपने रूल में काफ़ी सारी चीज़ों को परिवर्तित करता है। चित्रकारी में कम इंटरेस्ट दिखाकर स्थापत्य कला में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, मतलब आर्किटेक्चर बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट रहता है। उसने दिल्ली के लाल किले से लेकर आगरा के ताजमहल तक, यानी कहाँ कहाँ मस्जिदें बनवाईं और कहाँ कहाँ मंदिरों को तोड़वा दिया, और वहाँ मस्जिदें भी बनवाईं शाहजहां ने। शाहजहां ने मयूर सिंहासन में अपना कोहिनूर हीरा भी जड़वा दिया था, और वहीं बैठता था। शाहजहां का घर लाल किला होता था, जामा मस्जिद बिल्कुल बगल में थी, नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाया करता था। और शाहजहां एक अपने आप में ग्रेट रूलर साबित हुआ अपने समय पर। शाहजहां ने कहते हैं लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र करी राजधानी, और शाहजहानाबाद उसकी बेटी का नाम था, जहानाबाद, तो जहानाबाद रखा गया था नाम, याद रखना है। बेटी वैसे जहां आरा थी, रोशन आरा, गोहन आरा, ये बेटियाँ थीं। औरंगजेब और मुराद दारा शिको ये बेटे थे इसके। तो बेटों में औरंगजेब कट्टर मुस्लिम, कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, और औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था। किसी के कहने पर इतने सारे बच्चे हैं तो कैसे आपको रूल मिलेगा, तो औरंगजेब इस चीज़ में भटक जाता है, और वो शाहजहां को अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, और 1658 में शाहजहां को कैद कर लेता है। 1666 तक वो वहीं पर मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया जाता है। मुसम्मन बुर्ज बनवाया था उसने दिल्ली के, वो सॉरी आगरा के लाल किले के अंदर, आगरा का लाल किला बनवाया था अकबर ने, और वहीं पर अंदर उसने मोती मस्जिद बनवाई, और साथ में मुसम्मन बुर्ज भी बनवाया था। मुसम्मन बुर्ज में ही कैद कर दिया था औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके, और वहीं से छोटी सी खिड़की से वो ताजमहल के दीदार कर सके, इतना बस देख मतलब छोड़ दिया था कि वो अपना ताजमहल देख सके। तो औरंगजेब भी बहुत कट्टर मुस्लिम रहा, जिसने पूरी तरह से मुगल एम्पायर का इतिहास ही चेंज कर दिया। जो काम वेलफेयर के अकबर ने करवाए वो सब बंद करवा दिए, जहांगीर ने सब बंद करा दिया, शाहजहां ने वो भी सब बंद करा दिया। सब अपनी मर्जी से ही काम करता था, एक धर्मांध शासक था, धर्म की किताबों में खोए रहता था, कहां कहां से कौन कौन सी शरीयत निकालता था, कहां कहां से इस्लाम कानून बनाता था, जजिया टैक्स शुरू कर दिया था, तुलादान सिस्टम बंद करवा दिया था, हर चीज़ पर जो अच्छे अच्छे काम होते थे सब बंद करा दिया। मदिरा, जुआ, तुलादान, झरोखा दर्शन और बहुत सारे ऐसे सिस्टम जो वेलफेयर के भी काम होते थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। संगीत पर, नृत्य पर, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया औरंगजेब ने। खुद कर सकता था लेकिन दूसरों को नहीं देता था।
औरंगजेब ऐसे शासक था, एक सुल्तान था या बादशाह था, जिसने हिंदुओं को सबसे ज़्यादा सेना भर्ती किया था। और इसके समय पर भी संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें भी लिखी गई थी गाइस। बेशक संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जो संगीतकार थे वो घर में चुपचाप बैठ बैठ के किताबें लिखते थे। कहाँ से रोजगार प्राप्त करेंगे? रोजगार की छोड़ो, देखा जाए हम तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते थे उस समय पर। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग लोग कितने दहशत में रहते होंगे, सोचिए आप। उस समय की सरकार मुगल सरकार थी, और कैसे आधिपत्य जमाया था इन लोगों ने भारत पर, पूरी तरह से खून खराबा शुरू कर दिया था। जहाँ तक औरंगजेब ने बाप को नहीं छोड़ा, 8 साल कैद कर लिया, और वहीं एडिया रहते रहते शाहजहाँ की डेथ हो जाती है, मर जाता है, और फिर वहाँ पर अपना आगरा में दफन कर देता है। मुमताज महल, जहाँ ताजमहल है, वहीं पर दफन कर देता है उसको। सोचिए कितना क्रूर था, अपने भाइयों को भी काट डाला उसने, कई सारे युद्धों में मार डाला। सोचिए सामू और जजाऊ का बैटल होता है, उसमें भी अपने भाइयों को नहीं बख्शा, ख़त्म कर देता है औरंगजेब पूरी तरह से। और औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि ली। आलमगीर का मतलब होता है युग का विजेता, विश्व विजेता। जिंदा पीर की उपाधि ली, महोत्सव की उपाधि ली। और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक होता है। 2 बार राज्याभिषेक होता है इसका। 1000 मंदिरों को तोड़वा दिया, मस्जिदें खड़ी करवाई इसने, कह सकते हैं इसे मूर्ति भंजक कह सकते हैं इसको। तो इसने पूरी तरह से मूर्तियों को तोड़वा दिया और वहाँ पर मस्जिदें खड़ी करवाई। धीरे 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 औरंगजेब ने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू कर दिया गया तरीके से, पूरी भारत में तहलका मचा दिया। अगेंस्ट शिवाजी खड़े हुए, शिवाजी के विद्रोह को दबाने के लिए कूटनीति चली, सूरत की संधि करा ली। सूरत की संधि में 23 किले गंवाने पड़े शिवाजी को, फिर उनको कैद कर लिया गया, भागना पड़ा उनको वहाँ से। तो कई सारे युद्धों में देखा जाए शिवाजी ने धोखेबाजी भी की, गद्दारी भी की, सॉरी औरंगजेब ने गद्दारी भी की, धोखेबाजी की। शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था, इसलिए शिवाजी ने छापामार पद्धति भी शुरू की औरंगजेब के खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य, शिवाजी की मतलब नेचुरल डेथ होती 1680 में। उनका बेटा शंभाजी होते हैं, लेकिन वो भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं, उनको भी मनसब दे दिया जाता है बाद में। तो धीरे धीरे मराठा जो है एक्टिव नहीं हो पाते, वो सबॉर्डिनेट होते जाते हैं। कहीं कहीं निजाम बिक जाता है, कहीं मैसूर निजाम है, कभी मराठे हैं, अंग्रेजों के गुलाम होते रहते हैं। क्योंकि अंग्रेज भी आ चुके थे उस समय, बीजापुर आदिल शाह है, आदिल शाह के वहाँ पर अंग्रेजों ने अपना रूल एक्टिव कर दिया था। तो वहाँ पर भी औरंगजेब ने दबाने की कोशिश की, इनको भगाने की कोशिश करी, और भागते भागते फुलटा द्वीप पहुँच गए थे अंग्रेज। फिर वहाँ पर उनसे, वहाँ पर एक अंग्रेज था, उन्होंने माफ़ी मांगी औरंगजेब से। फिर औरंगजेब ने कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा करना चाहते हो वैसा करो, अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हें ना जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अंग्रेज भी औरंगजेब के सबॉर्डिनेट बने रहे, निजाम भी बने रहे, साथ में मराठा भी धीरे धीरे, कोई एक्टिव होता था कोई इनएक्टिव होता था, तो धीरे धीरे वो अपना भी करते चले। मतलब फिलहाल मतलब समझो औरंगजेब का एक मैसेज था कि मेरे खिलाफ जो खड़ा होगा वो मारा जाएगा। पूरी तरह से तहलका मचा दिया था औरंगजेब ने। और लास्ट औरंगजेब को वीर छत्रसाल चीर देता है, और बेड पर तड़पते तड़पते 1707 में उसकी डेथ हो जाती है औरंगजेब की। गाइस पूरा इतिहास है, अच्छा है। अगर मैं, वैसे मैंने जहांगीर तक डाल रखा है, साझा औरंगजेब भी हम बना देंगे आपको पूरी डिटेल के साथ, ठीक है। कनेक्टिविटी बरकरार रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो कनेक्टिव प्लीज़ अपनी कनेक्टिविटी बरकरार रखना। ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे ही बताता जा रहा हूँ, कंटिन्यूटी जैसी समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग सुनते हैं, कई सारे स्पीकर, कई सारे मोटिवेटर के वीडियो हम लोग सुनते रहते हैं, तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। बेशक चाहे मैं 3D से नहीं बता रहा, और मैं पिक्चर बार बार यूट्यूब पे कैसे आती रहती हूँ साइड में, वो भी नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने, अगर आप मेरी कंसंट्रेट स्पीच पे ध्यान देंगे तो आपके समझ में भी आएगा कि हाँ सीक्वेंस से सारी चीज़ें चल रही हैं। औरंगजेब के बाद उसके पुत्र आते हैं अयोग्य, बिल्कुल नालायक, जिसमें पहला आता है बहादुर शाह फर्स्ट, जिसे हम मुअज्जम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं साहिब ए खबर। उसे खुद पता नहीं रहता कि हो क्या रहा है मुगल एम्पायर में, इसलिए उसे साहिब ए खबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट होता है, जफर नहीं आता है, जफर तो लास्ट में होता है, जिसे मुअज्जम कहते हैं। देन फिर जहांदर शाह आता है, जहांदर शाह लाल कुंवर एक उनकी प्रेमिका होती है, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जहांदर शाह जो है ज़्यादा एक्टिव रूलर नहीं होता, लेकिन उसने जजिया को ख़त्म किया, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया, याद रखना है, ठीक है। जहांदर शाह को कहते हैं हम लोग एक तरह से घृणित कायर, याद रखना है, जैसे फर्रुखशेर को हम कहते हैं घृणित कायर, ठीक है ना। इसलिए
जहांदर शाह के बाद कौन सा था, फर्रुखशीर आता है। फर्रुखशीर को हम घृणित कायर कहते हैं, याद रखना, ठीक है, घृणित कायर फर्रुखशीर को कहते हैं, याद रखना है। और फर्रुखशीर ने पूरी तरह से सैयद बंधुओं की सहायता से वो राज करता है भारत पर, और सैयद बंधु ही उसे फाइनली हटा देते हैं। इसने काफ़ी गलत काम किए थे, और जो बंदा बहादुर है उसको कई महीनों तक भूखे रखे, उसके ही बच्चे का उसे मीट खिलाता है ये। तो सिखों के बीच में ये अपने आप को बचा नहीं पाता और सिख उपद्रव हो जाते हैं, काफ़ी एक्टिव रूलर हो जाते हैं सिख जो हैं। तो फर्रुखशीर को मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन फर्रुखशीर बच जाता है। फर्रुखशीर ने एक काम और किया कि एक शाही फरमान जारी कर दिया अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज जो है पूरी तरह से अपनी फैक्ट्री स्थापित करने में सफल होते जा रहे थे फर्रुखशीर के राज में। कहते हैं घृणित कायर, घृणित कहते हैं किसी से घृणा करना, और इससे इतनी घृणा की जा सकती है जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर फर्रुखशीर का इतिहास उठा के आप देखोगे तो इसको टाइटल ही घृणित कायर है, देख लिया। तो कैसे हम कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर में एक अच्छा शासन हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसा मुगल एम्पायर नहीं आया जिसकी हम तारीफ की जाए, आप उठा के देख लीजिए। वो तो मैं ब्रीफ में सीक्वेंस में बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप सबका अपडेशन होता रहता है, तरोताज़ा सारी चीज़ें होती चली जाए। तो फर्रुखशीर के बाद फिर आता है आपका मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह जो है नादिर शाह उसको हरा देता है, अटैक होता है नादिर शाह का 1739 में। और मोहम्मद शाह के पास आखिरी जो होता है वो कोहिनूर हीरा होता है। जब वो दिल्ली को लूट कर चला जाता है, दिल्ली में काट मार कर जा रहा होता है, तो कोई और एक सौदागर कहता है कि आप जितना लूट के ले जा रहे हो नादिर शाह, उतनी का तो एक ही डायमंड है कोहिनूर, जो मोहम्मद शाह की कैप में लगा हुआ है, आप कैसे लेके जाओगे? वो ले गए तो ना समझो पूरी दौलत ले गए आप। फिर नादिर शाह ने चाल चली, और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के साथ दोबारा मीटिंग का टाइम रखा, और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के साथ मीटिंग का टाइम रखा, और मोहम्मद शाह से कहा कि आपसे मैं एक गिला सिकवा दूर करना चाहता हूँ, गले मिलकर और कैप बदलकर। तो गले मिलकर कैप बदलकर, कैप में ही हीरा लगा था कोहिनूर, कैप को भी ले गया वो, और गले मिलकर उसे पता ही नहीं चला मोहम्मद शाह को। इसलिए कोहिनूर हीरा आज सिर्फ देखा जाए ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा हुआ है, जो अब तक हमारे भारत को नहीं मिला। एक पॉसिबिलिटी बन रही थी कि ऋषि सुनक साहब ब्रिटेन के पीएम बने हैं तो शायद मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी कोशिश करी लेकिन नहीं मिल पाया, क्योंकि दलीप सिंह ने एक हस्ताक्षर कर दिए थे फाइनली कि वापस नहीं आएगा। दलीप सिंह जो महाराज रणजीत सिंह के बेटे होते हैं, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे कि वापस नहीं आएगा, इसलिए वो आज तक वापस नहीं आ पाया हमारा कोहिनूर हीरा। तो ये पॉइंट आते हैं गाइस, ठीक है। मोहम्मद शाह के बाद फिर आप देखिए अहमद शाह आता है, अहमद शाह के टाइम पर ही अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है ना। उसके बाद फिर आलमगीर सेकंड आता है, फिर आपका शाह आलम सेकंड आता है, फिर आपके अकबर सेकंड आता है, फिर आपका बहादुर शाह जफर सेकंड आता है। तो इस तरह से बहादुर शाह जफर जो है, जफर नाम से कविता लिखा करता था, और अकबर सेकंड का पुत्र था बहादुर शाह जफर सेकंड। इस तरह से जफर के नाम से कविता लिखा करता था बहादुर शाह जफर सेकंड, और बहादुर शाह जफर सेकंड ही एक ऐसा रूल, एक ऐसा मुगल बादशाह था जो दिल्ली लाल किले से नेतृत्व संभाल रहा था 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था और उसने खुद मना कर दिया था कि मैं अब शासन करने की इच्छा मेरे अंदर नहीं रही। दोनों बेटे को मार दिया गया, बेटियों को मार दिया गया अंग्रेजों ने, और रंगून निर्वासित कर देते हैं बहादुर शाह जफर सेकंड को, और वहीं पर इसकी हत्या हो जाती है, वहीं पर इसकी मज़ार है बहादुर शाह जफर सेकंड की। तो इस तरह से अनवर्दी रूलर जो आते हैं अयोग्य शासक औरंगजेब के बाद, वो पूरी तरह से मुगल एम्पायर को जो संभालते हुए गए थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक एक्टिव रूल रहा। लेकिन उसके बाद जो बिल्डिंग तैयार की थी एक्टिव रूलरों ने, वो बिल्डिंग गिराने का काम किया इन अनवर्दी शासकों ने, अयोग्य शासकों ने। पूरी तरह से ख़त्म हो गया मुगल एम्पायर, और बहादुर शाह जफर सेकंड के बाद कोई भी वंशज नहीं बचता। अंग्रेज सबको मार डालते हैं, और पूरी तरह से अंग्रेजों का राज 1857 से हो जाता है, जब वो एक क्रांति और जीत लेते हैं, 1857 का रिवॉल्ट को भी जीत लेते हैं। 1857 का रिवॉल्ट मैं मानता हूँ हारने का कारण बहुत होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग जो है, शिक्षित वर्ग जो है, अमीर वर्ग जो है वो अलग रहता है। अगर वो भी साथ होता तो मुझे लगता है हम 1947 में आज़ाद नहीं होते, हम 1857 में ही आज़ाद हो जाया करते, हो लिए थे, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि कम्युनिटी यूनिटी नहीं दिखने को मिली थी। इसलिए 1857 के रिवॉल्ट से उनका हौसला और बढ़ गया अंग्रेजों का। उससे 100 साल पहले की बात करूँ, प्लासी के युद्ध में भी हौसला बढ़ा था, बक्सर के युद्ध में और ज़्यादा बढ़ गया,
देन छोटे छोटे रिवोल्ट हुए, किसानों के रिवोल्ट हुए, देन जनजाति रिवोल्ट हुए, फिर सन्यासी रिवोल्ट हुए, संतों के रिवोल्ट हुए, फिर हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ, फिर फाइनल जो रिवोल्ट होता है आज़ादी का रिवोल्ट होता है। आज़ादी के रिवोल्ट में भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा भारतवासियों को, और अंग्रेज़ों ने भी सामना सेकेंड वर्ल्ड वार में किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में उसकी हार होने के बाद तब जाकर थोड़ा बहुत उनको लगा कि अब हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि पुनर्जागरण होने से भारत के अंदर काफ़ी मतलब एक तरह से प्रभाव पड़ा है भारतीयों के अंदर भी। पुनर्जागरण इटली में हुआ, फ्रांस में हुआ, और साथ में जर्मनी, वहाँ के लोगों ने एक्टिव होकर अपने देशों के खिलाफ जो तानाशाही रूलर थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और फिर भारत के लोग भी जाग गए और धीरे धीरे पुनर्जागरण 1947 में और विस्फोट बन के सामने आया, फिर हम आज़ाद हो जाते हैं गाइस। तो ये थोड़ा आधा घंटे का वीडियो है, जिसको देखना है वो देखिएगा, अच्छा लगे शेयर करना, लाइक करना गाइस, ठीक है। बताने को मैं एक घंटे तक बता सकता हूँ, लेकिन स्पीच में बच्चे बहुत कम सुनते हैं, ठीक है, क्लियर है गाइस। कोई कमेंट हो तो बताना प्लीज़, तो अच्छा लगेगा मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।